काफी ज्यादा उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है। चूही बीजेपी की तरफ से सोफी यूसुफ और वीर सराफ को मंडेट अनाउंस किया गया है, तो यहाँ पे मालू से स्वागत किया गया है। सोफी साहब काफी जश्न इस समय देखने को मिल रहा है। हाँ, ये मैं पार्टी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और पार्टी ने मुझे एक बार फिर जिम्मेवारी दी है और मैं हर बार अपनी जिम्मेवारी के ऊपर खरा उतरा हूँ। और इस बार नरेंद्र मोदी जी के 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर को बहुत ज्यादा बदलाव आया और जिस बदलाव की वजह से मैं मानता हूँ कि आज हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हमारे वीर सराफ जी को जो हमारे पंडित कम्युनिटी से है और ये भी अनंतनाग मेन से इनको पार्टी ने इज्जत दी है और रफीक वानी साहब को भी जो अनंतनाग वेस्ट से है और हमारे एडवोकेट बजाज साहब अनंतनाग में 4 सीटें जो है अनाउंस की गई है। मैं आपके माध्यम से जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और स्टेट लीडर्स जो हमारे रविंद्र रैना जी और उसके साथ साथ हमारे अशोक कोल जी और बाकी जितने भी स्टेट के लीडर्स हैं सबको मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे एक बार फिर बिजबेरा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है जिम्मेवारी दी है। और मैं आपकी वसात से कहना चाहूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व को मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करके इंशाल्लाह ताला बिजबेरा की सीट निकालूंगा। मुझे लगता है कि जो हमने काम किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं बगैर खोखले वादे, तो मुझे लगता है कि लोग हमारे साथ हैं और लोग आज बाशूर है, लोग जानते हैं कौन क्या कर सकता है, किसने क्या किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो बीजेपी के ऊपर एक बड़ी इन्होंने रीजनल पार्टियों ने गंदी मोहर लगाई थी कि ये बीजेपी के लोग जो है ये हिंदुत्व फैलाएंगे, आज जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो एक पार्टी है जिन्होंने यहाँ पे काम किया है। और मुझे लगता है कि आज नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के साथ और नरेंद्र मोदी जी का दिल यहाँ के लोगों ने जीता और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का CM होगा। शुक्रिया।